हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फील्ड चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम यानी राष्ट्रीय सेवा योजना। तो दोस्तों, नेशनल सर्विस स्कीम राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना 24 सितंबर 1969 में किया गया, जिसमें 37 विश्वविद्यालयों में शुरू करने की उस समय घोषणा की गई थी। यह किसके अधीन आता है? युवा एवं खेल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अधीन एनएसएस संस्था आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड एनएसएस का मोटो क्या है? मुझको नहीं आपको, यानी नॉट फॉर मी बट फॉर यू, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसा कि कल मैंने वीडियो बनाया था एनसीसी पर, उसका मोटो क्या था बताइए? उसका मोटो मैं बताई कि एकता और अनुशासन। ठीक है, तो एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एंड एनएसएस का मोटो है मुझको नहीं आपको, यानी नॉट फॉर मी बट फॉर यू। और इसका चिन्ह क्या है? जैसा कि चित्र में दिख रहा है, रथ का एक चक्र है। ठीक है, रथ का चक्र है। और यह रथ का चक्र कहाँ से लिया गया है? उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के ब्लैक पगोडा से लिया गया है, यह भी ध्यान रखने योग्य बात है, आगे पूछ सकता है। ठीक है, और जो रथ का पहिया है यह संदेश देता है कि पूरे समय या किसी भी जगह सृजनात्मक कार्य, सुरक्षा कार्य, सार्थक कार्य बिना रुके चलते रहें। ठीक है, तो इतना हुआ हमारे एनएसएस की स्थापना से और मोटो और चिन्ह और उसके अधीनता के विषय में। तो इससे ही आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि एनएसएस की स्थापना कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1969 में हुआ था। उस समय 37 विश्वविद्यालयों में शुरू करने की इसको घोषणा की गई थी। किसके अधीन आता है एनएसएस? तो युवा एवं खेल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अधीन आता है। इसका मोटो क्या है? मुझको नहीं आपको, नहीं नॉट फॉर मी बट फॉर यू। इसका चिन्ह क्या है? रथ का चक्र या चक्र लिया कहाँ से गया है? तो उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पगोडा से लिया गया है। रथ का पहिया जो है क्या संदेश देता है? यह देता है कि पूरे समय या किसी भी जगह सृजनात्मक कार्य, सुरक्षा कार्य, सार्थक कार्य बिना रुके चलते रहें। ठीक है, अब मैं एनएसएस को शुरू करने की प्रक्रिया में मुख्य तथ्य, यानी कि ये तो हम जान लिए कि एनएसएस की स्थापना कब हुई, मोटो क्या था, चिन्ह क्या था। ठीक है, अब मैं ये बता रही हूँ कि एनएसएस को कैसे शुरू किया गया, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, इस प्रक्रिया के बारे में भी जान लेना आवश्यक है, भले ही इससे क्वेश्चन न पूछा जाए। तो एनएसएस को शुरू करने की प्रक्रिया में मुख्य तथ्य है कि 1959 में शिक्षा मंत्रालय की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एनएसएस की आवश्यकता पर चर्चाएं की गई। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो है 28 अगस्त 1959 में एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति के अध्यक्ष सीडी देशमुख थे। ठीक है, और इसी समिति ने सभी शिक्षण संस्था में 9 से 12 महीने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस को सभी विद्यार्थियों के लिए लागू करने की पेशकश की। लेकिन हुआ क्या कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस योजना को लागू नहीं किया जा सका। फिर 1960 ईस्वी में केजी साइडेन ने विभिन्न देशों में चलाई जा रही एनएसएस का अध्ययन किया, फिर ऐसा भी नहीं चलाया जा सका। तो 1960 ईस्वी में केजी साइडेन ने क्या किया कि विभिन्न देशों के कई देशों में चलाई जा रही एनएसएस का अध्ययन किया और नेशनल सर्विस फॉर द यूथ इसी शीर्षक से सरकार के सामने अपने विचारों को रखे। और 1960 में डीएस कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय सेवा योजना सेवा एवं समाज सेवा को शिक्षा से जोड़ने का आग्रह किया। फिर क्या हुआ, 1967 में एक कॉन्फ्रेंस में एनएसएस को शुरू करने की योजना पर विचार किया गया। कब किया गया? 1967 में एक कॉन्फ्रेंस में एनएसएस को शुरू करने की नई योजना पर विचार किया गया, जिसके तहत फिर सितंबर 1969 में कुलपतियों की एक कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय सेवा योजना को विद्यालयों में शुरू करने के लिए एक मजबूत उपकरण माना, जिसके आधार पर 24 सितंबर 1969 में एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना यानी नेशनल सर्विस स्कीम की स्थापना हुआ। तो दोस्तों, ये था
राष्ट्रीय सेवा योजना यानी नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस के बारे में, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं कि एनएसएस की स्थापना कब हुआ, 24 सितंबर 1969 में, जिस समय उस समय 37 विश्वविद्यालयों में शुरू करने की घोषणा हुई थी, और किसके अधीन है एनएसएस, यह युवा एवं खेल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अधीन है, इसका मोटो क्या है यानी ध्येय क्या है, मुझको नहीं आपको यानी नॉट फॉर मी बट फॉर यू, इसका चिन्ह क्या है, रथ का चक्र कहाँ से लिया गया है, रथ का चक्र उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पगोडा से लिया गया है, यह रथ हमें क्या संदेश देता है, देता है कि पूरे समय या किसी भी जगह सृजनात्मक कार्य, सुरक्षा कार्य, सार्थक कार्य बिना रुके चलते रहें। तो ये था एनएसएस के बारे में, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो भी डाउट हो या और फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स के किसी भी टॉपिक रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, मैं उसका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।